नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मिशन सरकारी नर्सिंग अधिकारी सीरीज़ में। हम बात कर रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर नॉरसेट 60 या नॉरसेट बूस्टर एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों, इस क्लास में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपको नॉरसेट की जो तैयारी है उसको बूस्ट करेंगे, और साथ साथ में ये क्वेश्चंस आपको आने वाले नॉरसेट में भी देखने को मिल सकते हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आज हम बात करेंगे। बात करने से पहले, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिशियल पोस्ट प्रोसीजर नर्सिंग असेसमेंट फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ हैड ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। तो दोस्तों, सबसे पहले पोस्ट प्रोसीजर कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में जो इनिशियल पोस्ट प्रोसीजर असेसमेंट है एज ए नर्स, वो क्या रहता है? ऑप्शन फर्स्ट है मॉनिटर द लेबोरेटरी वैल्यू, ऑप्शन सेकंड ऑब्जर्व न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस एवरी 15 मिनट्स, ऑप्शन सेकंड ऑब्जर्व द पंक्चर साइट फॉर स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग, ऑप्शन थर्ड मॉनिटर स्किन वार्म एंड टर्गर। तो दोस्तों, बता दूँ जो पोस्ट प्रोसीजर जो सबसे पहले हमारा एज ए नर्स असेसमेंट रहता है कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में, वो रहता है पंक्चर साइट को ऑब्जर्व करना फॉर ब्लीडिंग एंड स्वेलिंग के लिए देखना। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। दोस्तों, बता दूं जो कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में जो सबसे ज़्यादा हमें रिस्क रहती है वो रहती है पंक्चर साइट ब्लीडिंग होने की, और वो हमें सबसे पहले एज ए नर्स असेसमेंट करना चाहिए, पंक्चर साइट ब्लीडिंग। ठीक है, ये हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट है और यही हमें देखनी चाहिए। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट एक्सपीरियंसेस इनिशियल इंडिकेशंस ऑफ डिजीनेस आफ्टर हैविंग एन आईवी इन्फ्यूजन्स ऑफ लिडोकेंस हाइड्रोक्लोराइड स्टार्टेड, द नर्स शुड फर्दर एसेस द क्लाइंट फॉर विच सिम्टम। तो दोस्तों, एक क्लाइंट है वो डिजीनेस एक्सपीरियंस कर रहा है, उसको चक्कर वक्कर आ रहे हैं आफ्टर आईवी इन्फ्यूजन्स ऑफ लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड के आईवी इन्फ्यूजन्स के बाद में उसको चक्कर आने स्टार्ट हो गए। तो एज ए नर्स जो हमारा सबसे पहले फर्दर एसेस क्या रहेगा कि लिडोकेन को लेकर, तो ऑप्शन फर्स्ट है पाल्पिटेशन, ऑप्शन सेकंड है टीनिटस, ऑप्शन थर्ड है यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन फोर्थ है लिथार्जी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे फॉर टीनिटस, टीनिटस के लिए देखेंगे। और टीनिटस के लिए हम क्यों देखेंगे? क्योंकि टीनिटस इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड। लिडोकेन हाइड्रोक्लोराइड का जो साइड इफेक्ट होता है वो टीनिटस वगैरह होते हैं, और टीनिटस आते ही हमें लिडोकेन स्टॉप करना चाहिए, दूसरी ड्रग यूज में लेनी चाहिए। बाकी रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इज इंसर्टेड इन ए क्लाइंट विथ सीवियर मिट्रल स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन, द नर्स एडमिनिस्टर फ्यूसेमाइड्स एंड नाइट्रोपुरुसाइड एज ए प्रेस्क्राइब। द नर्स नोटिस ए सडन ड्रॉप इन द पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर एंड पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, व्हाट शुड द नर्स एसेस नेक्स्ट। तो दोस्तों, एक पेशेंट है मिट्रल स्टेनोसिस का पेशेंट है, मिट्रल स्टेनोसिस के साथ साथ में उसको रिगर्जिटेशन भी है। नर्स को फ्यूसेमाइड और नाइट्रोपुरुसाइड प्रेस्क्राइब की है नर्स ने पेशेंट को, और प्रेस्क्राइब करते ही सडन ड्रॉप इन पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर के साथ साथ पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर में भी आपको सडन ड्रॉप देखने को मिला है। तो एज ए नर्स तो आपका सबसे पहले नेक्स्ट असेसमेंट या असेसमेंट क्या रहेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट है ए 12 लीड EKG ECG, ऑप्शन थर्ड ब्लड प्रेशर, ऑप्शन थर्ड लंग साउंड, ऑप्शन फोर्थ यूरिन आउटपुट। तो दोस्तों, बता दूँ नाइट्रोपुरुसाइड क्या है, एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो बीपी को डिक्रीज करती है, और फ्यूरोसेमाइड भी लूप डायूरेटिक है जिसका जो इनडायरेक्ट है रूप है वो भी हाइपोटेंशन कॉज कर सकती है फ्यूरोसेमाइड। तो दोनों को साथ देने से जो ब्लड प्रेशर है वो सडन डिक्रीज हो सकता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी आर्टरी डायस्टोलिक प्रेशर के साथ साथ पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर भी कम होने के चांसेस रहते हैं। तो एज ए नर्स वो हम सबसे पहले ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे पेशेंट का, अगर पेशेंट को नाइट्रोपुरुसाइड और फ्यूरोसेमाइड दी गई है, अगर ब्लड प्रेशर कम आ रहा है तो जो नाइट्रोपुरुसाइड की डोज है उसको हम होल्ड कर देंगे, और या फिर हम फिजिशियन से या जो भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उससे वापस रिकन्फर्मेशन करेंगे।
फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट हु हैज अंडरगो ए मिट्रल वाल रिप्लेसमेंट हैड ए मीडियास्टेनल चेस्ट ट्यूब इंसर्टेड। द क्लाइंट हैज परसिस्टेंट ब्लीडिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल इंसिजन ड्यूरिंग द अर्ली पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक? सेलेक्ट ऑल द अप्लाई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन से इसमें एक में से ज़्यादा ऑप्शन सही होंगे, और क्वेश्चन को थोड़ा गौर से पढ़िएगा कि एक पेशेंट है जो कि मिट्रल वाल रिप्लेसमेंट का उसको सर्जरी हुई है, उसके बाद में मीडिया स्टेनल चेस्ट ट्यूब इंसर्ट की है, मीडिया स्टेनल चेस्ट ट्यूब इंसर्ट में परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है एक्सटर्नल इंसिजन की साइड से। व्हाट एक्शन शुड द नर्स टेक? तो नर्स एज ए नर्स कौन कौन से एक्शन नर्स को लेने चाहिए? तो ऑप्शन फर्स्ट है एडमिनिस्टर वारफरिन, ऑप्शन सेकंड है चेक द पोस्ट ऑपरेटिव सीबीसी आईएनआर पीटीटी और प्लेटलेट्स लेवल, ऑप्शन थर्ड है कन्फर्म अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लड प्रोडक्ट, ऑप्शन फोर मॉनिटर द मीडियास्टाइनल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, ऑप्शन फिफ्थ स्टार्ट ए डोपामिन ड्रिप फॉर ए सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 100 mg ऑफ एसजी। तो एज ए नर्स हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि उसकी जो पोस्ट ऑपरेटिव सीबीसी आईएनआर पीटीटी वैल्यू है या प्लेटलेट्स लेवल है वो देखना चाहिए, कहीं जो कोगुलेशन है उसकी डिरेंस तो नहीं होगी। फिर हमें अगर परसिस्टेंट ब्लीडिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो हमें कंफर्म करना चाहिए कि उसके जो ब्लड प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ गई तो ब्लड प्रोडक्ट हमारे पास रिजर्व रहने चाहिए या अरेंज किए हुए होने चाहिए। ऑप्शन फोर है मीडियास्टाइनल मॉनिटर द मीडियास्टाइनल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज। तो हम दोस्तों मॉनिटर करेंगे कि मीडियास्टाइनल चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज में कितना फ्रेश ब्लड या परसिस्टेंट ब्लड हमें देखने को मिल रहा है, और तुरंत हेल्थ केयर प्रोवाइडर को हम इन्फॉर्म कर देंगे। तो जो ऑप्शन टू थ्री फोर इज करेक्ट आंसर, रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर। एडमिनिस्टर वारफरिन हम नहीं देंगे क्योंकि आगे देखेंगे कि कहीं ना कहीं वारफरिन एंटीकोगुलेंट है, एंटीकोगुलेंट है, और अगर कहीं पेशेंट की जो कोगुलेशन प्रोफाइल है वो डिरेंज होगी तो ये और वर्सन कर सकती है पेशेंट की कंडीशंस को, और डोपामीन ट्रिप फॉर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ये हम नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि पेशेंट में अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो कहीं ना कहीं फ्लूड का लॉस हो रहा है, फ्लूड वापस रिप्लेस करेंगे ना कि डोपामीन का जो इन्फ्यूजन है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो दे आर इनकरेक्ट, टू थ्री एंड फोर इज करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेजर शुड द नर्स टेक डेट विल बी द मोस्ट हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग वुंड इन्फेक्शन व्हेन चेंजिंग क्लाइंट ड्रेसिंग्स आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। तो दोस्तों एक नर्स है, मोस्ट हेल्पफुल एज ए नर्स सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या रहेगा, प्रिवेंटिंग वुंड इन्फेक्शन को हमें प्रिवेंट करना है, उसके लिए एक पेशेंट कोरोनरी आर्टरी बाईपास CABG का पेशेंट है, उसकी ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं, तो जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल प्रिवेंटिव मेथड कौन सा रहेगा या प्रिवेंटिव वुंड इन्फेक्शन वाला क्या देखने को मिलेगी? ऑप्शन फर्स्ट है वॉश हैंड बिफोर चेंजिंग द ड्रेसिंग, ऑप्शन थर्ड क्लीन द इंसिजन एरिया विद एंटीसेप्टिक, ऑप्शन फोर यूज प्रीपैक स्टेरिल ड्रेसिंग टू कवर द इंसिजन, ऑप्शन फोर प्लेस द सोइल ड्रेसिंग्स ए हैजार्डियस वेस्ट कंटेनर। तो दोस्तों इसमें जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा प्रिवेंटिंग वुंड इन्फेक्शन को लेकर, हमें हैंड वॉश करना चाहिए चेंजिंग द ड्रेसिंग, बिफोर चेंजिंग द ड्रेसिंग, अगर ड्रेसिंग चेंज कर रहे हैं उससे पहले हैंड वॉश कर दिए, तो ये एक स्टडी में पता चला है कि हैंड वॉश इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स टू प्रिवेंट वुंड इन्फेक्शन या क्रॉस इन्फेक्शन। ठीक है, वुंड इन्फेक्शन या क्रॉस इन्फेक्शन को अभी हमें प्रिवेंट करना है तो हम हैंड वॉश का सजेशन देते हैं, हैंड वॉश इज नेसेसरी। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स प्रोवाइड टू द क्लाइंट हु इज रिसीविंग वारफरिन। तो दोस्तों एक पेशेंट है वो वारफरिन टेबलेट ले रहा है, तो एज ए नर्स हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करानी चाहिए? तो ऑप्शन फर्स्ट है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम वैल्यू डिटरमाइन द डोज ऑफ वारफरिन सोडियम, ऑप्शन सेकंड प्रोटामिन सल्फेट इज यूज टू रिवर्स द इफेक्ट ऑफ वारफरिन सोडियम, ऑप्शन थर्ड इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो इज यूज टू असेस द इफेक्टिवनेस एंड वारफरिन सोडियम विल फैसिलिटेट क्लोटिंग ऑफ द ब्लड। तो दोस्तों बता दूं जो हमें सबसे पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए क्लाइंट को जो कि वारफरिन ले रहा है वो है कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो इज यूज टू असेस द इफेक्टिवनेस। तो दोस्तों बता दूं वारफरिन का जो इफेक्टिवनेस हम देखते हैं वो देखते हैं PT INR की वैल्यू से। ठीक है, PT INR की वैल्यू से हम
वारफरीन का जो इफेक्ट ऐसे इफेक्टिवनेस देखते हैं पीटीआईएनआर की वैल्यू से, नॉर्मली हमें पीटीआईएनआर वैल्यू रखनी रहती है 1.5 से 2.5 तक, ठीक है, आईएनआर की वैल्यू रखनी चाहिए। और अगर पेशेंट के वाल ट्रांसप्लांट हो रखे तो हमें ये 3.5 तक हम इसको बढ़ा सकते हैं पीटीआईएनआर की वैल्यू को, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमें इंटरनेशनल नॉर्मलाइजेशन रेशियो आईएनआर की वैल्यू हम देखते हैं वारफेरिन के पेशेंट में अगर टेबलेट यूज में ले रहे हैं तो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नर्स इज प्रिपेयरिंग द क्लाइंट फॉर डिस्चार्ज आफ्टर मिट्रल वाल रिप्लेसमेंट सर्जरी, विच एक्टिविटी शुड द क्लाइंट अवॉइड अंटिल आफ्टर द फर्स्ट मंथ ऑफ पोस्ट डिस्चार्ज अपॉइंटमेंट विद द सर्जन। तो दोस्तों बता दूँ, एक पेशेंट है जो कि मिट्रल वाल रिप्लेसमेंट की सर्जरी के बाद में डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो उसको कौन सी एक्टिविटी अवॉइड करने के लिए बोलेंगे आफ्टर द वन मंथ पोस्ट डिस्चार्ज अपॉइंटमेंट विद द सर्जन। तो बोलेंगे आपको एक महीने तक ये एक्टिविटीज अवॉइड करनी चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट है शॉवरिंग, ऑप्शन सेकेंड है लिफ्टिंग एनीथिंग हैवियर देन 10 IB और 4.5 kg, ए प्रोग्राम फॉर ग्रेजुअल प्रोग्रेसिव वॉकिंग और लाइट हाउस वर्क। तो दोस्तों बता दूँ, जो हमें सबसे पहले जो अवॉइड करनी चाहिए एक्टिविटी वो है लिफ्टिंग एनीथिंग हैवियर देन 4.5 kg। पेशेंट को जैसे ही कोई CABG या मिट्रल वाल रिप्लेसमेंट की सर्जरी हुई है तो हम उनको बोलते हैं कि आप अवॉइड हैवी वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करें, क्योंकि एक्सटर्नल इंसिजन लगा रहता है और एक्सटर्नल इंसिजन इस अगर वो हैवी वेट उठाएंगे तो वहाँ पे वुंड डेहिसेंस या हमें वुंड डेहिसेंस भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट आंसर, द रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 days आफ्टर मिट्रल वाल रिप्लेसमेंट सर्जरी द क्लाइंट टेल्स द नर्स देयर इज क्लिकिंग नॉइस कमिंग फ्रॉम द चेस्ट इंसिजन, द नर्स रेस्पॉन्स शुड रिफ्लेक्ट द अंडरस्टैंडिंग दैट द क्लाइंट मे बी एक्सपीरियंसिंग। तो दोस्तों बता दूँ, ये ऑप्शन फर्स्ट में एंजाइटी रिलेटेड टू अल्टर्ड बॉडी इमेज, ऑप्शन थर्ड में डिप्रेशन रिलेटेड टू अल्टर्ड हेल्थ स्टेटस, ऑप्शन थर्ड में अल्टर्ड टिश्यू परफ्यूजन, ऑप्शन फोर में लैक ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग द पोस्ट ऑपरेटिव कोर्स। तो दोस्तों ये जो क्लिकिंग साउंड है वो पेशेंट को एंजाइटिस से भी हो सकती है कि उसका जो बॉडी इमेज है चेंज है CABG के या बाद में या वाल रिप्लेसमेंट के बाद में एक्सटर्नल इंसिजन लगाते हैं, एक्सटर्नल इंसिजन के बाद में पेशेंट की जो बॉडी इमेज है या बॉडी इमेज डिस्टॉर्टेड हो जाती है जिसकी वजह से उसको एंजाइटी होने लगती है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, एंजाइटी रिलेटेड अल्टर्ड बॉडी इमेज वाला ये ऑप्शन करेक्ट है, बाकी रेस्ट आर द इनकरेक्ट आंसर, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं इनमें से, ठीक है दोस्तों। और भी अगर आपको कोई भी सजेशन चाहिए या सजेशन देना हो क्लास को इम्प्रूवमेंट करने के लिए तो आप कमेंट सेक्शन ज़रूर बताएं, वी आर वेरी हैप्पी टू हियर योर सजेशन। थैंक यू वेरी मच।